हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, एक हफ्ता से मैं घर गई हुई थी तो इसके चलते मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। एंड दोस्तों, फिर मैं वापस आ गई हूँ। डेली बेसिस पे आपको वीडियोज मिलेंगे। एंड बीच में ऐसा गैपिंग जुलाई में फिर से हो सकता है। दोस्तों, मैं जब भी छुट्टी पर जाऊँगी तो आप सबको बता दूँगी, जैसा कि मैं इस बार बताई थी। और आपको जस्ट मैं खाली होते ही आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों, आज से डेली बेसिस से वीडियो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन मैंने डिटेल में एक एक टॉपिक को बताया हुआ है। एंड एक एक चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड 79 ऐसे वीडियोज को मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में बीपीएससी TI-2 में प्रैक्टिस कराया हुआ है। वो सभी वीडियो जरूर देखिए। और 2024 के ऑल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का ये 89 वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड को कुछ समय के लिए दिया जाता है और फिर अधूरा आराम दिया जाता है और फिर पुनः स्टार्ट किया जाता है, यह कौन सी विधि होती है? तो दोस्तों, आपको पता है कि कुछ समय के लिए ट्रेनिंग किया जाता है जहाँ पे आपका हार्ट रेट 180 तक पहुँच जाता है और जो ही हार्ट रेट 120-130 तक पहुँचता है, हम कार्य को रोक देते हैं और अधूरी क्षतिपूर्ति यानी कि इनकम्प्लीट रिकवरी के आधार पर हम जो है 120-130 हार्ट रेट पहुँचते अभ्यास को पुनः शुरू कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं अंतराल वृद्धि यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि आपको पता है कि जो एंड्योरेंस होता है उसको डेवलप करने की चार विधियां हैं, कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड। जिसमें से आपने कंटीन्यूअस मेथड में स्लो कंटीन्यूअस मेथड, फास्ट कंटीन्यूअस मेथड, फॉर्टलेक मेथड, वेरिएबल पेस मेथड आपने पढ़ा है। और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में इनकम्प्लीट रिकवरी होता है और रिपीटेशन मेथड में कम्प्लीट रिकवरी होता है। याद रखिएगा, इनकम्प्लीट रिकवरी अधूरी क्षतिपूर्ति की बात करेगा तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और पूर्ण क्षतिपूर्ति यानी कि कम्प्लीट रिकवरी की बात करेगा तो रिपीटेशन मेथड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड को सभी प्रदर्शन कारकों के लिए बढ़ाना चाहिए जिससे कि उन सब गामक क्षमताओं का विकास पूर्ण रूप से हो सके, यह कौन सी विधि होती है? तो दोस्तों, जब हम अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर बीच बीच में रोक रोक कर क्रिया करवाते हैं तो उसमें स्पीड एंड्योरेंस यानी गति सहनशीलता विकसित होता है, उसके साथ साथ सभी गामक क्रियाओं का पूर्ण रूप से विकास होता है। तो वह विधि है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी अंतराल प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट है, इस आधुनिक युग में प्रति स्पर्धात्मक खेल खिलाड़ी के प्रदर्शन से जुड़े और खेलों में प्रदर्शन की व्यक्तिगत क्षमता उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करती है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं और यह सिद्धांत जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मैंने आपको 12-13 खेल के सिद्धांत को मैंने बताया हुआ है। आप स्पोर्ट ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सभी सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उस खिलाड़ी की व्यक्तिगत यानी पर्सनल क्षमताओं का विकास किया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसको पहचान करके हम उसी की दबी हुई क्षमताओं का विकास करेंगे। तो दोस्तों, यह भी हो जाएगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में निम्न सहायक सर्वाधिक सहायक होता है। आप सबको पता है हीमोग्लोबिन हीम प्लस प्रोटीन यानी कि हीम प्लस ग्लोबिन, हीम आपका आयरन हो गया, ग्लोबिन एक प्रोटीन हो गया, इन दो चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे और रक्त को लाल रंग प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक कौन है? तो आयरन यानी कि लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों सारा थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग यानी गलगंड हो जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर की समस्त मेटाबॉलिज्म क्रियाएं चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पाचक यानी डाइजेस्टिव एंजाइमों के निर्माण में निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो दोस्तों जितने भी पाचक एंजाइम हैं उन सब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातु और अस्थियों के निर्माण में निम्न में से महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा कैल्शियम एंड फास्फोरस की आवश्यकता होती है एंड नेक्स्ट है रिकेट्स नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से हो जाता है? आप सबको पता है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स जो है इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? दोस्तों तो जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे प्रमुख स्रोत हो जाएगा आपका दूध यानी कि मिल्क। नेक्स्ट है कैल्शियम का कितना परसेंट भाग धातु और अस्थियों में पाया जाता है? तो दोस्तों जितना भी कैल्शियम हमारे बॉडी में यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा अस्थियों धातु में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 65%। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त को शीघ्र जमाने में सर्वाधिक सहायक कौन है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन राइट होगा कैल्शियम। दोस्तों जब भी रक्त जमाने की बात करेगा तो रुधिराणु में यानी कि ब्लड सेल्स में बात करेगा तो आपका प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन में ब्लड प्रोटीन में बात करेगा तो फाइब्रोनोजन एंड प्रोथोम्बिन, ठीक है। एंड किसी धातु का तत्व का बात करेगा खनिज लवण का तो कैल्शियम एंड विटामिन में के, विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो दोस्तों रूस ने प्रथम बार 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट है, एशियाई महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल कौन सा है? तो आप सबको पता है दोस्तों एशिया महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक है 1964 टोक्यो ओलंपिक। उसके बाद तो आपका 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक एंड फिर आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? तो दोस्तों अमेरिका ने 1980 मास्को ओलंपिक का बहिष्कार किया और उसमें भाग भी नहीं लिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि रूस ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया? तो दोस्तों रूस ने 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में बहिष्कार किया उसको और भाग नहीं लिया, जबकि अमेरिका ने 1980 मास्को रूस को। नेक्स्ट है, सभी अफ्रीकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग नहीं लिया? यहाँ पे सभी अफ्रीकी देशों की बात हो रही है, किस ओलंपिक का बहिष्कार किया और भाग भी नहीं लिया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी तक में भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा। इससे पहले जो 2020 टोक्यो ओलंपिक होने से पहले कुल 11 पदक जीते थे, तो उस समय 8 स्वर्ण 1 रजत 3 का 2 कांस्य जीते हुए थे, बट वर्तमान में आपका 1 कांस्य पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता था भारत ने, तो कुल 11 पदक थे पहले, अब कुल 12 पदक हो गए हैं, ठीक है। तो अब कितने हो गए हैं? कुल 12 पदक, ठीक है, कुल 12 हो गए हैं दोस्तों, ठीक। उसमें से 8 स्वर्ण 2 रजत एंड 3 कांस्य पदक, ठीक है। 8 स्वर्ण, सॉरी दोस्तों, रजत पदक भारत ने हॉकी में ओनली एक ही जीता है, वो भी आपका
1960 में 8 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक, ठीक, कुल 12 पदक जिसमें से 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक। कुल 8 स्वर्ण जो है 1928 से स्टार्ट हुआ और 1980 तक चला, जिसमें बीच में 1960 में रजत पदक भारत ने जीता था और लास्ट स्वर्ण पदक 1980 मास्को रूस में जीता और उसके बाद 1920 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक भारत ने 1968, 1972 एंड 2020 में जीता है हॉकी में। नेक्स्ट है 1928 से 1956 तक किस देश ने रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते थे? तो आप सबको पता है दोस्तों वह देश कौन सा है, वह है भारत, ठीक है, 1928 से 1956 तक। फिर 1960 में रजत पदक भारत ने जीता और लास्ट स्वर्ण पदक 1980 मास्को रूस में जीता। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एथेंस ओलंपिक 2004 में निशानेबाजी का रजत पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? दोस्तों आप सबने सही आंसर टिक कर दिया होगा, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर, क्योंकि अविनम इंद्रा ने 2008 में स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाजी में, लेकिन 2004 में मेजर राजवर्धन सिंह राठौर जो है 2004 में निशानेबाजी में रजत पदक लाए और रजत पदक पाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे व्यक्तिगत स्पर्धा में, क्योंकि इससे पहले 1952 में हेलसिंकी में केडी जाधव ने कांस्य पदक ही जीता था, व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक नहीं जीता था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रूप से प्रथम ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? वही क्वेश्चन घुमा के पेश किया, वो है मेजर राजवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस ओलंपिक में। नेक्स्ट है, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले श्री केडी जाधव किस खेल से संबंधित हैं? आप सबको पता है 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में केडी जाधव ने कांस्य पदक जीतकर कोई स्पर्धा में भारत की तरफ से कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने और ये थे आपके कुश्ती के खिलाड़ी, क्योंकि भारत ने ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था पहली बार, तो नमन प्रिचार्ड ने कांस्य पदक जीता था लेकिन वो भारतीय नहीं थे, एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, इसलिए भारत की तरफ से पहले भारतीय बने हैं ओलंपिक पदक जीतने वाले थे केडी जाधव। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षण को स्पष्टतः एक सक्रिय प्रक्रिया निम्न में से किस विद्वान ने माना है? तो वो है दोस्तों रुक, कौन है रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैंने बीच में एक क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन नहीं था आपके आने लायक, तो मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट है, 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो दोस्तों आप सबको पता है बीजिंग चीन में खेला गया 2008 में, फिर आपका 2012 में लंदन में खेला गया, 2016 में रियो डी जेनेरियो खेला गया ब्राजील में, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जापान में खेला गया। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आरंभ किए गए थे? तो दोस्तों आप सबको पता है 1924 में पेरिस के चेमोनिक्स नामक स्थान पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस खेल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग शीर्ष पर था? दोस्तों तक्षशिला में उस समय जो धनुर्विद्या आर्चरी थी उसको शीर्ष पर था यानी प्रमुख विद्या था सिखाने वाला। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद किस वर्ष गठित हुई? दोस्तों अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद जो है 1954 में गठित किया गया। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल फिटनेस कोर NFC का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1965 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस काया प्रारूप की विशेषता है? सुकुमार शरीर संरचना और कमजोर पाचन तंत्र। तो दोस्तों आपने एक की पॉइंट पकड़ा हुआ होगा, सुकुमार शरीर संरचना, जैसे कि आपको तीन बॉडी टाइप्स सेलर ने बांटा हुआ है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक, जिसमें से एंडोमोर्फिक की विशेषता है मोटा और बहुत खाने की प्रवृत्ति और थुलथुला शरीर, और मेसोमोर्फिक की दूसरा है मेसोमोर्फिक सुडोल का है जिसमें पेशियां मजबूत होती हैं
और मजबूत शरीर वाला व्यक्ति होता है और सभी चीज़ों में वो ताकत चपलता चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा होता है। और तीसरा होता है अस्थि प्रधान संरचना यानी एक्टोमोर्फिक, यानी दुबला पतला कमजोर सुंदर शरीर होता है, यानी सुकुमार शरीर संरचना की बात कहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, एक्टोमोर्फिक, ठीक है, कृशकाय व्यक्ति। और जो एक्टोमोर्फिक होते हैं सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में ज्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन पराध्वनिक यानी अल्ट्रासाउंड का साइड इफेक्ट है? तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड से साइड इफेक्ट जो है संक्रमण यानी कानों में कान में संक्रमण विकार हो जाता है। नेक्स्ट है पराध्वनिक ऊर्जा यानी अल्ट्रासाउंड एनर्जी का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन किन के बीच सबसे कम होता है? तो इसका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन जो है कोमल उत्तक और वसा में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आंतरायिक संपीड़न यानी कंप्रेशन को छोर पर लागू करने में उपकरण में दाब सबसे दाब किससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आंतरायिक संपीड़न कंप्रेशन को छोर पर लागू करने में उपकरण में दाब किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा खिलाड़ी की डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर के अंतर से अधिक नहीं होना चाहिए। डायस्टोलिक के सिस्टोलिक प्रेशर के अंतर को पल्स रेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अंग मर्दन यानी मसाज के पैटेसाज विधि में क्या होता है? दोस्तों मसाज यानी कि मालिश की चार विधियां हैं, स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सैकिंग यानी मिलाना या झकझोरना। जिसमें से यहाँ पे ये जो बात हो रहा है जो सैकिंग है दो प्रकार का है, और परक्यूजन प्रेशर यानी कि दबाने की हस्तकौशल विधि तीन प्रकार की है, नीडिंग पेटिसार एंड फ्रिक्शन। नीडिंग जो होता है निचोड़ना होता है, एंड नीडिंग मतलब गुथना होता है आटे की तरह मसल्स को पकड़ के, और पेटिसाज मतलब चिकोटना होता है यानी कि त्वचा को चिकोटी काटने जैसा। जो पेटिसाज तीन प्रकार का होता है, पिकिंग अप रोलिंग अप, पिकिंग अप ब्रिंगिंग अप एंड रोलिंग अप, मसाज वाले वीडियोस को आप देखिए वहाँ पे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो त्वचा को चिकोटी काटना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों एफिलरेज अंग मर्दन किसकी विधि है? तो दोस्तों ए स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन यानी कि सहलाने की हस्तकौशल की विधि है, त्वचा को सहलाना। नेक्स्ट है त्वचा की थपथपाना टेपोटमेंट में क्या शामिल है? तो दोस्तों तीसरा विधि है परक्यूजन थपथपाना, जो दोस्तों आपका चार प्रकार का होता है, हैकिंग क्यूपिंग बीटिंग एंड पाउंडिंग। हैकिंग में हाथ की हथेली से हल्का हल्का प्रहार किया जाता है त्वचा पर, क्यूपिंग में हथेली प्याले के आकार देकर के थपथपाया जाता है, बीटिंग में मुक्का बनाकर, और पाउंडिंग में हथेली की हथेली अंगूठा छोटी उंगली से तबले बजाने जैसी क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुखियाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुखियाना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों खेलकूद में हुई क्षति में खिलाड़ी को तात्कालिक उपचार प्रदान करना है। तो जितने भी एथलेटिक्स प्रकार के खेले हैं दोस्तों उन सब में चोट लगने के बाद सबसे पहले बर्फ चिकित्सा यानी क्रायोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हृदय के कार्य को निम्नलिखित उपकरणों में कौन मापता है? तो दोस्तों हृदय की क्रियाविधि को जानने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, ठीक है, हृदय की कार्यविधि को समझने के लिए मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG का प्रयोग किया जाता है, जबकि मस्तिष्क की कार्यविधि को मापा जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेसोग्राम यानी EEG के द्वारा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 39 क्वेश्चन, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चंस में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक वीडियोज पहुँच सके। फ्री में आपको ऐसा वीडियो मिल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय।